एलएसी विवाद पर भारत चीन की बैठक कब, क्या अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन से आगे होगा भारत, पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह से एनआईए की पूछताछ क्यों, राष्ट्र और राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। पीएम मोदी आज देश के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। पीएम हर साल परीक्षा देने वाले बच्चों से मिलते हैं, लेकिन इस बार ये चर्चा अलग अंदाज में होने जा रही है। कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल मोड के जरिए किया जाएगा। 10 लाख छात्रों ने इस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पिछले साल मई से शुरू सीमा तनाव को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच 9 अप्रैल को 11वीं दौर की बातचीत हो सकती है। अब तक 10वीं दौर की वार्ता हो चुकी है। इस दौर में दोनों देशों के बीच हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग समेत अन्य टकराव वाले मुद्दों को लेकर बात की जाएगी। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह से एनआईए अपने कार्यालय में पूछताछ कर रही है। एनआईए की ये पूछताछ सचिन बाजे को लेकर है। एनआईए सचिन बाजे को कोर्ट में पेश करने से पहले कुछ अहम जानकारी जुटा रही है, जिसे लेकर परमवीर से ये पूछताछ हो रही है। श्रीनगर के जगुरा में सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। पंजाब के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय जवानों ने घुसपैठिए को ढेर कर दिया है। बीएसएफ के जवानों ने गोली मार के घुसपैठिया को मार गिराया। बीएसएफ की टीम ने घुसपैठिए के पास से 2 AK-47 और 24 पैकेट हेरोइन भी बरामद की है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आईएमएफ की ताज़ा रिपोर्ट अच्छे संकेत दे रही है। आईएमएफ को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 12.5% की तेजी के साथ ग्रोथ करेगी। आईएमएफ के मुताबिक अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था 6.9% से आगे बढ़ेगी। आईएमएफ के ताज़े अनुमान के मुताबिक इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से तेज ग्रोथ करेगी। गंगोत्री धाम से बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। अप्रैल के महीने में गंगोत्री धाम सफेद चादर में लिपटा दिखाई दे रहा है। गंगोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी जिले में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड के चमोली के नीति घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। घर हो या जमीन, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। भारी बर्फबारी से आधा फीट तक बर्फ की परतें जम गई हैं। नीति घाटी के साथ जोशीमठ में तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कपड़ों की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से दुकान और गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी।